कायम यस्य कायोधवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकलया ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोयम् सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नता। भक्ति महारानी नारद जी महाराज की सुंदर स्तुति कर रही हैं कि जय हो जयति महाराज, आपकी जय हो। आपके वचनों पर विश्वास करके ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया। आपके वचनों में अटल विश्वास करके प्रहलाद जी ने खंभे से नरसिंह भगवान को प्रकट करके दिखा दिया। तो महाराज मुझे विश्वास हो गया कि आप मेरे पुत्रों को अवस्थ जरूर स्वच्छ कर देंगे, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य अवश्य शरीर ठीक हो जाएगा और पुनः ये नवयौवन को प्राप्त कर जाएंगे महाराज। अब नारद जी महाराज भक्ति महारानी कहती हैं कि आप मेरे बच्चों को स्वस्थ करने का उपाय करो। नारद जी महाराज कहते हैं लो मैया अभी करता हूं। अब नारद जी महाराज वेद पाठ प्रारंभ कर दिए, पुराणों का पाठ प्रारंभ कर दिया, यहां तक कि गीता पाठैर मुहुर मुहुर गीता का अनेक बार पाठ किया। तो थोड़ा सा जब कानों में गीता का पाठ कई बार किया तो थोड़ा सा अवस्था से जागृति अवस्था में आते हैं, और लेकिन आते ही पुनः उसी अवस्था में चले जाते हैं। नारद जी महाराज को मन में संशय आया कि मेरे पास जितनी भी चूर्ण चटनी थी मैंने चटा दी, खिला दी, दवाई दे दी, लेकिन कुछ प्रभाव तो पड़ नहीं रहा, अब क्या करें। तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा व्योमवाणी तदैवा भो मारिषे कृत्यतामिति उद्यमाशफलस्तेयम् भविष्यति न संशया। आकाशवाणी ने क्या कहा कि महाराज आप उपाय करो। उपाय क्या है, बोले आप इनके लिए सुंदर सा उपाय करिए। उत्तम सफलस्तेयम भविष्यति न संशयः, आपका उद्यम निश्चित ही सफल होगा। नारद जी बोले कि महाराज मैं तो उद्यम ही कर रहा हूं, वेद पाठ कर रहा हूं, पुराणों का पाठ कर रहा हूं, गीता का पाठ किया, अब इससे बड़ा उद्यम क्या हो सकता है, कौन सा उपाय करूं। भाई वेदांत है सुना रहा हूं, ये भी तो एक उद्यम है, वेदांत से बड़ा तो कोई शास्त्र नहीं है, गीता से बड़ा कोई सार सर्वस्व ग्रंथ नहीं है, सभी शास्त्रों का सभी पुराणों का सार गीता है, अब इससे बड़ा उद्यम क्या हो सकता है। महाराज मन में विचार कर रहे हैं, तब आकाशवाणी ने क्या कहा कि महाराज सत्कर्म करो। अच्छा महाराज सत्कर्म क्या है, बोले जाओ कोई तुम्हें संत बतलाएंगे। अब नारद जी महाराज कहते हैं लो ना तो दवाई का पता ना तो डॉक्टर का पता, भाई डॉक्टर का ही नाम बता देते कि अमुक डॉक्टर के पास चले जाओ दवाई मिल जाएगी, रोग शांत हो जाएगा, इलाज ठीक हो जाएगा, तो डॉक्टर के पास चले जाते, ना तो डॉक्टर का नाम बताया ना तो दवाई का नाम बताया। सत्कर्म सत्कर्म करो। अब नारद जी महाराज अब कहते हैं कोई संत बतलाएंगे। अब नारद जी महाराज चल दिए, जो ही संत मिलते हैं प्रणाम महाराज जी, महाराज जी एक निवेदन है कि सत्कर्म किसे कहते हैं। अब नारद जी भी महाराज कोई छोटे मोटे संत तो है नहीं, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी महाराज हैं, तो जो नारद जी महाराज संतों से पूछते हैं महाराज सत्कर्म क्या है, वही क्या कहता है कि महाराज आप सर्वत्र घूमते हो, भ्रमण करते हो, सर्वत्र आपकी पूजा है और आप मुझसे निवेदन कर रहे हो, पूछ रहे हो सत्कर्म किसे कहते हैं।
श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, कुछ संत तो मुखी भूतास्त धान्य तो कियंतस्तु पलायिता। कुछ तो मौन का बहाना बना लिए महाराज, आजकल नवरात्रि का व्रत चल रहा है, मैं मौन धारण किया हूं। कुछ दाएं बाएं खिसक लिए, अंततो गत्वा किसी ने नहीं बताया कि सत्कर्म किसे कहते हैं। और नारद जी महाराज कहते हैं, भैया मैं भक्ति महारानी को वचन देकर के आया हूं कि तुम्हारे बच्चों का स्वास्थ्य मैं ठीक करूंगा, लेकिन मेरे सभी उद्यम सभी सफल निष्फल हो गए। इस इच्छा से मैंने मन में विचार किया कि बद्री नारायण में नर नारायण नित्य निवास करते हैं, तो वहां परमात्मा को खोजूंगा, नर नारायण को खोजूंगा और उन्हीं से पूछूंगा महाराज कि सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म क्या है। तो महाराज इसी अभिलाषा से मैं भ्रमण कर रहा था, तब तक चारों भैया आप भैयाओं का दर्शन मुझे प्राप्त हो गया। अब नारद जी महाराज कहते हैं कि महाराज मैं जानता हूं आपकी महिमा के बारे में कि महाराज आप सृष्टि के सबसे आदि में उत्पन्न हुए, क्योंकि सृष्टि जब हुई तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनत नंदन सनातन सनत कुमार चारों भैयाओं को प्रकट किया। लेकिन महाराज आपका इतना प्रभाव है किसका, नाम का, क्योंकि हरिशरणम हरिशरणम जरायुष्मान्यवाध्यते। महाराज आप सदैव भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हैं, इसलिए जरा जरा माने होता है बुढ़ापा, आपको बुढ़ापा नहीं आ रहा। पांच हायन संयुक्ता पूर्वे शाम अपि पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज श्री सनकादिक सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया, लेकिन पांच हायन संयुक्ता 5 वर्ष से 6 वर्ष के नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सदैव वो अहर्निश भगवान के नामों का स्मरण करते हैं, क्योंकि उनका, मैंने पीछे बताया आपसे कि उनका जीवन ही है कथा मात्रैक जीवना, जिनका जीवन ही कथा है, इसलिए उनको बुढ़ापा नहीं आता। इसलिए नारद जी महाराज कहते हैं, महाराज मैं आपकी महिमा को जानता हूं, आप सदैव वैकुंठ गए, भगवान के पार्षदों में जय विजय ने रोका तो आपने ऐसी आंख दिखाई, ऐसा श्राव्य कि तीन जन्म के लिए राक्षस योनि में डाल दिया। तो महाराज मैं आपकी महिमा को जानता हूं कि आपकी महिमा क्या है, इसलिए महाराज आप ही बतलाएं कि सत्कर्म क्या है। चारों भैया देखकर के नारद जी महाराज के चेहरे में देखकर के मुस्कुराए और हंसने लगे। कहते नारद जी महाराज, मा चिंता हर समचित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। मां चिंताम कुरु देवर्षे, अरे देवर्षि नारद जी महाराज आप चिंता छोड़ दो, चिंता का परित्याग कर दो। क्यों? क्योंकि वो उपाय कोई और उपाय नहीं है, जिस उपाय के लिए आप घूम रहे हैं कि कौन सा सत्कर्म किया जाए जिससे ज्ञान वैराग्य जो जरा अवस्था को प्राप्त कर गए हैं, बुढ़ापा अवस्था को प्राप्त कर गए हैं, उसके लिए कोई और उपाय नहीं है। श्रीमद् भागवतालापा शुक गीता शुकादि भी। नारद जी महाराज से सनकादिक कहते हैं, महाराज वो कोई उपाय और नहीं है, श्रीमद् भागवतालापा, वो कोई दूसरा उपाय नहीं, यही श्रीमद् भागवत महापुराण है जो शुक गीता शुकादि भी, सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ गीत श्रीमद् भागवत महापुराण है। अब नारद जी महाराज आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे, महाराज लो कर लो,
कहते हैं भैया मैं भी भागवत को पढ़ा है, भागवत के विषय में जानता हूं, क्योंकि वेदों की ही व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण में है। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, वेदों और उपनिषदों के सूत्रों की व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण में है। तो महाराज जब मैंने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, पुराणों को सुनाया, तब तो उनकी जरा अवस्था दूर नहीं हुई, बुढ़ापा अवस्था दूर नहीं हुआ। तो आप कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण कराने से नव यौवन को प्राप्त कर जाएंगे ज्ञान और वैराग्य। सनकादिक कहते हैं नारद जी महाराज, आप जैसे संत इस प्रकार से संशय कर रहे हो, मुझे बहुत बड़ा मन में संशय उत्पन्न होता है कि आप जैसे इतने विशाल महान संत कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण कराने से होगा क्या। भाई वेद है वृक्ष, और वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब भाई कोई कहे आम बड़े मीठे हैं, फल बड़े मीठे हैं, तो कोई फल चबा रहा हो, फल खा रहा हो, और कोई कहे भाई जब फल पेड़ से उत्पन्न फल है, तो उस फल को जब फल इतना मीठा है उसका वृक्ष कितना मीठा होगा। अब कोई उस फल को फेंके और वृक्ष को चबाना प्रारंभ कर दे, तो क्या वो रस प्राप्त होगा? कभी नहीं हो सकता है भाई। दूध से निकला घी, क्योंकि दूध से ही दही बनता है, दही से ही मक्खन निकलता है, और उसी मक्खन से घी निकलता है। तब भाई घी के घी जो कार्य कर सकता है, घी से पूड़ियां निकाल लो, कचौड़ियां निकाल लो, कई पकवान बना लीजिए। अब भाई घी खत्म हो गया, अब कोई कहे भाई घी खत्म हो गया, दूध डाल लो, उससे पूड़ियां निकाल लो, कचौड़ियां निकाल लो, भाई उसी दूध से तो निकला हुआ घी है, घृत है। तो भाई जो कार्य घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता है। गन्ने के रस से ही चीनी बनती है। अब कई मिठाइयां बनती हैं, तो जो मिठाइयां चीनी से बन सकती है वो गन्ने के रस से कितने लाखों प्रयास कर लीजिए नहीं बनने वाली है। इसलिए नारद जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण सभी वेदों का, सभी पुराणों का सार सर्वस्व ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है। नारद जी महाराज दृष्टांतों को सुन करके नारद जी महाराज की जो मन में शंका थी वो निर्मूल हो गई। कहते हैं नारद जी महाराज अपने अग्रजों से, अपने चारों भैयाओं से, महाराज मेरी जो शंका थी वो निर्मूल हो गई। महाराज मैं अब चाहता हूं कि आपके मुख से ही कथा श्रवण करूं, क्योंकि संतों का जो दर्शन है, संतों के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण या सत्संग या पुराणों का प्रवचन या संतों का दर्शन कब प्राप्त होता है? तो कहते हैं नारद जी महाराज शनकादिकों की, अपने अग्रजों की सुंदर स्तुति कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। क्या कहते हैं? भाग्योदय न बहुजन में समर जितेना सत्संगमंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमधांधकारा नासंविधाय हितदो यते बहु जन्म समर्जितेना भाग्योदयना। नारद जी महाराज कहते हैं कि भैया आप जैसे संतों का सानिध्य एक जन्म नहीं, अनेकों जन्मों के जब हमारे पुण्य संचित हुए तब आपका दर्शन प्राप्त हुआ। संतों के दर्शन से होता क्या है? तो कहते हैं
सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै। और अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा, जब संतों का दर्शन प्राप्त होगा, जब संत आपके सानिध्य में आएंगे तो सुंदर राधा माधव की माधुर्यपूर्ण लीलाओं का गुणगान श्रवण कराएंगे और आपका मन अनायासी भगवान के राधा माधव के गोविंद के कृष्ण कन्हैया के चरणों में लग जाएगा। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। और सुंदर सत्संग श्रवण करने से होगा क्या, जो हमारे अंदर अज्ञान भरा हुआ है, अंधकार भरा हुआ है, देहाभिमान भरा हुआ है, धनाभिमान भरा हुआ है, वो सब दूर हो जाएगा, राग द्वेष सब नष्ट हो जाएंगे। कब? जब संतों का सानिध्य प्राप्त होगा और जब संत आपको सुंदर भागवत भागीरथी श्रवण कराएंगे। और सुंदर क्या होगा, उदयते विवेक, सुंदर आपके हृदय में, आपके मन में सुंदर विवेक जागृत हो जाएगा, आपको ज्ञान हो जाएगा। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसे श्रवण करने को प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि हम आप सभी कब से प्लानिंग बनाते हैं कि भाई मंदिर में कथा होने वाली है, हम कथा में भाग अवश्य लेंगे, शोभा यात्रा में भाग लेंगे, कलश में भाग लेंगे। कलश का अर्थ क्या है बोले? कलश का अर्थ होता है क्लेश, जो हमारे क्लेशों को दूर कर दे, उसका अर्थ है कलश। इस कलश में जल भरा हुआ है, सभी देवताओं का आवाहन हुआ, सभी देवता आए और इसका जल जब आपके घर में जाएगा, आपके ऊपर जब इसका प्रोक्षण होगा, तब आपके अंदर पॉजिटिव शक्ति आएगी, सकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे, नकारात्मक निगेटिव दूर होगा। लेकिन ये अवसर ऐसे नहीं प्राप्त होता है भाई। कई बार हम प्लानिंग बनाते हैं, कथा सुनेंगे, कथा में यजमान बनेंगे या कलश उठाएंगे, लेकिन कोई ऐसा अचानक कार्य आ जाता है, हमको जाना पड़ता है, हम नहीं आ पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी यजमान बन जाते हैं, ना चाहते हुए कलश उठा लेते हैं, तो अवश्य समझिए उसमें भगवान की कृपा है, क्योंकि यह अवसर जो है बार बार ऐसे प्राप्त नहीं होता है। हमारे बात इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किन शब्दों में कहते हैं, यह सर आवत अति कठिनाई, सर आवत अति कठिनाई, सर आवत अति कठिनाई, यह सर आवत अति कठिनाई, यह सर आवत अति कठिनाई, यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा प्राप्त होता है, कब प्राप्त होता है, यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आवे न जाई, बिना राम की कृपा से सर नहीं प्राप्त होता है, कितनी भी प्लानिंग बना लीजिए महाराज,
ये अवसर नहीं आ सकता है, और बिना इसके ज्ञान भी नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के आपको विवेक भी नहीं हो सकता है। विवेक कहाँ से आएगा जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे। इसी बात को हमारे नारद जी महाराज कहते हैं कि भैया मैं समझ गया कि आपके अंदर कितना बड़ा ज्ञान है, आप कितने बड़े संत हैं। तो इसलिए नारद जी महाराज निवेदन करते हैं, महाराज अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान और वैराग्य जो अचेतन अवस्था में लेटे हुए हैं उन्हें श्रवण कराएं। अच्छा महाराज, लेकिन कथा होनी कहाँ चाहिए? तब कहते हैं कथा हरिद्वार में होनी चाहिए, क्योंकि हरिद्वार में कथा क्योंकि हरि का द्वार तो ठीक है, लेकिन कथा तो कहीं भी हो सकती है। हरिद्वार में ही क्यों किया? बद्रीनारायण में थे, बद्रीनाथ धाम में थे, वहीं कथा कर लेते, हरिद्वार में ही क्यों आए? तो पहले सज्जनों, बद्रीनाथ धाम बहुत कम लोग ही जाते थे और मिलजुल करके जाते थे। अब तो सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो पहले के समय पे बहुत कम जाते थे, मिलजुल करके जाते थे। जो जाते थे तो महा प्रयाण में बैठ जाते थे, समाधि में बैठ जाते थे, ध्यानावस्था में बैठ जाते थे। तो भाई हरिद्वार में ही क्यों कथा किए? हरिद्वार में इसलिए किए क्योंकि हरि का द्वार है, भगवान का द्वार है। तो जो संत समाधि लगाए कंदराओं में, गुफाओं में बैठे हुए हैं, तो अगर वो कथा श्रवण करना चाहेंगे तो बद्रीनारायण से थोड़ा नीचे हरिद्वार आ जाएंगे। और जो हमारे संसारी हैं वो भी अगर इस कथा का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो वो भी आ सकते हैं। दिल्ली से जाइए, दो घंटे में हरिद्वार पहुंच जाएंगे। इसलिए हरिद्वार में कथा का आयोजन हुआ। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, बोले हरि का द्वार है, गंगा का द्वार है, और वहीं पर सुंदर भागवत कथा का आयोजन होना चाहिए। अब क्या था, सुंदर सा मंच बना दिए, रेती इकट्ठी कर दिए, मंच बना दिए, अब कथा का गुणगान प्रारंभ कर दिए। अब क्या था, सुंदर सभी ऋषि मुनि एकत्रित हो गए, और ऋषियों में कुछ ऋषि ऐसे हमारे जैसे भृगु जी महाराज। तो भृगु जी महाराज का कार्य क्या है? भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिल देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुकलश्चमित्रौ। क्या कहते हैं, भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो, तमाम संत समुदाय एकत्रित हो गया। भृगु जी महाराज का कार्य क्या है कि जो कथा में श्रवण करने के लिए नहीं आते हैं, कथा श्रवण करने की इच्छुक नहीं है, उन्हें भी पकड़ के लाते हैं। बोले महाराज क्यों पकड़ के लाते हैं? बोले भाई अपना तो कल्याण कर ही रहे हैं कथा श्रवण करके। भृगु जी महाराज के मन में विचार आया कि भाई जो अभागे इधर उधर भटक रहे हैं, संसार में घूम रहे हैं, उन संसारियों का भी कल्याण होना चाहिए। भाई आपने इनके जो बीमा करने वाले एजेंट होते हैं उनसे पूछिए कितने बार आते हैं महाराज ये फायदे, ये इतने फायदे हैं, ये इससे करेंगे तो इतना लाभ होगा, 5 साल बाद ये प्राप्त होगा, 10 साल बाद ये प्राप्त होगा। जितने बार बोला उतने बार आते हैं, जितने बार उनसे पूछिए उतने बार गिनाते हैं। तो भाई अगर उनसे पूछा जाए कि भाई हमारी मर्जी होगी तो हम करा लेंगे बीमा, नहीं होगी नहीं कराएंगे, आपको इतनी प्रॉब्लम क्या है, आपको इतनी दिक्कत क्या है, तो भाई उनका परसेंट एज जुड़ा होता है कि इतने लोगों को जोड़ोगे तो इतना परसेंट आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जितने लोगों को आप अपने माध्यम से कथा श्रवण कराने के लिए लाओगे उतने 10% आपके जुड़ते जाएंगे। तो भृगु जी महाराज का एक ही काम है कि लोगों को लाना, संतों को लाना, संतों को बताना कि कथा चल रही है, भागवत ज्ञान गंगा सप्ताह, ज्ञान यज्ञ का प्रवाह हो रहा है शिव मंदिर श्रेष्ठ विहार में। तो चलिए
तो उससे क्या है आपके 10% जुड़ते जाएंगे, 10% जुड़ते जाएंगे, और वो 10% जुड़ते जुड़ते 100% हो जाएगा। तो भृगु जी महाराज तो केवल यही काम है लोगों को समझा करके लाना और सुंदर भागवत भागीरथी महिमा के बारे में बताना और उसे श्रवण करवाना। अब क्या था महात्माओं फक्कड़ महात्माओं के भी सुंदर जय जयकार होने लगी। जय शब्दों नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च जय जयकार होने लगी, शंखों की गुंजार प्रारंभ हो गई। जैसे ही सनकादिकों ने कथा का शुभारंभ किया तो भागवत का महात्म्य गा ही रहे थे कि इतने में क्या देखते हैं कि कुछ ही क्षण के पश्चात भक्ति महारानी के दोनों पुत्र महात्म का, जो महात्म हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं, महात्म का गुणगान सनकादिकों ने गाया था कि इतने में ही क्या देखते हैं कि श्रोता समुदाय के बीच में भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ नव यौवन संपन्न, तो भक्ति महारानी यही है लेकिन उनके दोनों पुत्र भी नव यौवन संपन्न हो जाते हैं और भक्ति महारानी ताता थैया करते हुए प्रकट हो जाती हैं और भक्ति महारानी सुंदर भगवान नाम का कीर्तन करते हुए आती हैं और भक्ति महारानी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण यण वासुदेवा इस नाम का कीर्तन करते आ रही हैं भक्ति महारानी। तो आइए इस कीर्तन में हम आप भी सम्मिलित हों, क्योंकि भक्ति महारानी ने क्या कहा है, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेम करोपासहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। सनकादिकों के महात्म को श्रवण करके भक्ति महारानी के दोनों पुत्र नवयौवन को संपन्न हो गए, नवयौवन को प्राप्त कर गए और भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ भक्त समुदाय में प्रकट हो गए और दिव्य अलौकिक कीर्तन प्रारंभ हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेवा।
पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ ताता थैया करते हुए प्रकट हो गए। अब सनकादिकों से निवेदन किया, महाराज मैं कहां विराजूं, मेरा स्थान कहां पर है, मुझे कोई स्थान दीजिए। अहम प्रतिष्ठामि, महाराज मैं किन स्थान में, किस जगह में बैठूं। तब सनकादिक कहते हैं, आप जितने भी श्रोता समुदाय बैठे हैं, श्रोता समुदाय के हृदय में बैठ जाओ। भक्ति महारानी को कहा कि आप भक्तों के हृदय में आपका निवास हो जाए। क्यों? क्योंकि जब भक्ति महारानी आपके हृदय में आ जाएंगे तो भगवान नारायण भी आपके हृदय में अवश्य आएंगे। क्योंकि माताओं का क्या है, जितना कार्य साफ सफाई का माताओं को आता है उतना भाइयों को नहीं आता है। तो जब भक्ति महारानी आएंगी आपके हृदय में तो आपके अंदर जो अहंकार द्वेष छल भरे हुए हैं, ईर्षा, क्या करेंगे भक्ति महारानी, इन सभी विकारों को धो देंगी, आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। और जब निर्मल होगा तो भक्ति महारानी सुंदर आपके भवन को सुसज्जित कर देंगी, सजा देंगी। और सजा करके जब भक्ति महारानी अपने प्राण प्रिया भगवान नारायण को पुकारने लगेंगी तो भक्ति महारानी की पुकार को सुनकर के भगवान क्या करते हैं, हरिरपि निज लोकम सर्वधातो विहाया प्रवसति हृदय तेषां भक्ति श्रोत्रोपनद्धा। जब भक्ति महारानी आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे तब भक्ति महारानी नारायण को, भगवान को, गोविंद को, कृष्ण कन्हैया को जब पुकारेंगे तब भगवान उस लोक को, वैकुंठ को छोड़ करके हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाया सदैव के लिए आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए एक बार, राधे राधे। तो कहने का भाव क्या है कि पहले आपके हृदय में जब भक्ति जागेगी, जब भक्ति की जागृति होगी, जब भक्ति का उदय होगा तभी भगवान आपके हृदय में आएंगे और नित्य निवास करेंगे। नारद जी महाराज के हर्ष का बाराबार नहीं रहा ये सब देख करके कि महात्म्य की, केवल भागवत की महात्म्य की महिमा से ज्ञान और वैराग्य नवयौवन संपन्न हो गए। महाराज मैं जानना चाहता हूं इस संसार में बड़े से बड़े पापी बैठे हुए हैं तो क्या उन पापियों का भी पाप नष्ट हो सकता है, वो पाप से निर्मूल हो सकते हैं क्या? तब हमारे सनकादिक क्या कहते हैं, ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमानवा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला आप कहते हो किन किन पापियों का पाप नष्ट होगा? भाई भागवत कथा श्रवण करने से किन किन पापियों का पाप नष्ट हो सकता है? सनकादिक क्या कहते हैं कि नारद जी महाराज किन किन पापियों का पाप नष्ट हो सकता है इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, इस बात को ही भूल जाइए। ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा,
जो मानो सदैव पापाचार दुराचार में लिप्त है अगर उसे भी सप्ताह यज्ञ नकलो पुनंति थे, उसे भी अगर ये ज्ञान गंगा भागवत भागीरथे श्रवण करा दी जाए तो वो पाप से निर्मूल हो जाएगा, पाप से मुक्त हो जाएगा। लेकिन जब देवता देखते हैं स्वर्ग से कि भागवत भागीरथी का प्रवाह चल रहा है, संसारी भटक रहे हैं और उस भागवत भागीरथी में आचमन करने में शर्मा रहे हैं, तो देवता उनके उन्हें धिक्कारते हैं, क्यों? अभी पीछे आपने श्रवण किया कि देवता अमृत का कलश लेकर के आए, बोले महाराज मुझे ये ज्ञान गंगा दे दो। नारद जी महाराज को सुना रहे हैं सनकादिक, तो पीछे आपने श्रवण किया कि सुखदेव जी महाराज के पास आए देवता अमृत का कलश लेकर के, महाराज मुझे ये भागवत भागीरथी दे दो, बदले में आप स्वर्ग सुधामृत ले लो। लेकिन सुखदेव जी ने फटकार के भगा दिया था, तो उनके भाग्य को धिक्कारते हैं देवता। क्या कहते हैं? अजन्मे मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तं विधाय सुखशास्त्रकथा चांडाल वच्च खर्व वदते ननेतं मिथ्या स्वजन्म जनने जनि दुख भाजा। देवता क्या कहते हैं कि जो इस भागवत भागीरथी को भी श्रवण करते हैं उन्हें क्या बोल रहे हैं कि आज जन्म में मात्र मत एन सठे न किंचित, वो सठ है, वो मूर्ख है, उसने अपना जीवन व्यर्थ में गवा दिया जिसने ये ज्ञान गंगा भागवत भागीरथी श्रवण नहीं की। आज जन्म मत एन सठे न किंचित, वो तो इस धरती में भार है जो ये भागवत भागीरथी को सामान्य मानता है, तो वो तो इस धरती का चलता फिरता मुर्दा और भार है, हम नहीं कह रहे हैं। एवं वदन्ति दिव्य देव समोज मुख्या, ये देव वृंद कह रहे हैं जब संसारियों को देखते हैं भटकते, तो नारद जी महाराज से सनकादिक कहते हैं कि आप ये बात तो भूल ही जाइए कि महाराज कि किन किन पापों का उन्मूलन करती है श्रीमद् भागवत महापुराण, किन किन पापों को नष्ट करती है श्रीमद् भागवत महापुराण। अच्छा महाराज, आज तक कभी क्या ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा से पापी हो और वो भी श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण किया हो और तर गया हो? तब नारद जी महाराज को सनकादिक सुंदर एक ऐतिहासिक प्रसंग श्रवण कराते हैं। कहते हैं नारद जी, एक तुंगभद्रा नदी है, उसके तट में सुंदर एक पंडित है, आत्मदेव शर्मा जी रहते हैं। आत्मदेव शर्मा जी तो बड़े योग्य, बड़े सुशील, बड़े ही मिलनसार, लेकिन उनकी पंडितानी जी श्रीमती धुंधली देवी, महाराज कहना ही क्या, जब तक पड़ोस में दो चार बार लड़ाई ना हो जाए दिन में तब तक पेट का पानी तक नहीं बचता है। लेकिन दुर्भाग्यवशात आत्मदेव जी महाराज के कोई संतान नहीं थी, कोई संतति नहीं थी। एक दिन इतने परेशान हुए, इतनी ग्लानी आई मन में कि ग्रहम त्यक्त्वा वनम गता, घर को छोड़कर के वन में चले गए महाराज, मुझे इस संसार में नहीं रहना, क्योंकि पुत्र शोक बहुत बड़ा शोक होता है, संतान शोक है, कोई संतति नहीं है, कोई संतान नहीं है,
तो घर को छोड़ करके जंगल में चले गए। अब जंगल में जाकर के बैठ गए, जंगल में बैठे थे, रो रहे थे, मनी मन विचार कर रहे थे कि ना जाने मेरे कौन से पाप हैं कि मुझे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है, उसका परिणाम मिल रहा है। मन में विचार ये कर रहे थे मातृशक्तियों, इतने में ही एक सुंदर संत निकल पड़े और संत ने देखा आत्मदेव जी को रोते हुए। संत को लगा कि कोई मेरे परमात्मा के लिए, कोई मेरे प्रभु के लिए विलाप कर रहा है पाने के लिए, कि इतना जीवन व्यर्थ हो चला गया, इतना जीवन नष्ट हो गया, तो मेरे प्रभु के लिए विलाप कर रहा है, रुदन कर रहा है। तो संत जी ने पूछ लिया, कथम रोदसि विप्रत्वम्, कौते चिंता बलि बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्व दुःखस्य कारणम्। महाराज, आपके दुख का कारण क्या है मैं जानना चाहता हूं, क्यों रो रहे हो? कथम रोदसि विप्रत्वम्, आपको किस बात की चिंता है? भो विप्र, तुम कथम रोदसि, आप क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई संतति नहीं है, इसलिए मैं रुदन कर रहा हूं और इस जंगल में प्राण को त्यागने के लिए घर से आया हूं। लेकिन महाराज, मेरा सौभाग्य है जो आप जैसे संत का मुझे दर्शन प्राप्त हो गया। संत जी ने माथा पकड़ लिया, लो कर लो बात, मैं सोच रहा था कि मेरे परमात्मा के लिए, मेरे कृष्ण कन्हैया के लिए विलाप कर रहा है, लेकिन ये तो संसार के लिए रो रहा है। संत आत्मदेव जी को समझाते हैं, कहते हैं देखो विप्र, जिस संसार की इच्छा तुम रखते हो वो संसार में कुछ नहीं है। मुंचा ज्ञानम प्रजारोपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासात्या त्यज संसार वासना। ब्राह्मण देवा देवता, देखो बेटा बेटी में सुख ढूंढ रहे हो, उसमें सुख नहीं है कि बेटा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई आवश्यक थोड़ी है कि बेटा सुपात्र निकल जाए, कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए आप जिसके लिए कह रहे हो कि मुझे बेटा प्राप्त हो जाएगा मैं सुखी हो जाऊंगा, इसलिए विप्र संतान में तुम सुख देख रहे हो, उसमें सुख नहीं है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणोगति और विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। अरे ब्राह्मण देवता, इस संसार की वासनाओं का परित्याग करो और भगवान उस दिव्य चरण कमलों का स्मरण करो, उस भगवान नारायण से प्रेम करो, क्योंकि उसी में सर्व सार है। अनन्य ममता विष्णु हो, ममता प्रेम संगता। उस विष्णु में, उस नारायण में, उस कृष्ण कन्हैया में स्नेह करो, प्रेम करो। संत जी कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, जिस संतान के लिए आप रुदन कर रहे हो, रो रहे हो, मैं तुम्हारे मस्तक की भाग्य की रेखा को पढ़ पा रहा हूं कि तुम्हारे सप्त जन्मा वधि तब पुत्रो नैव च नैव
विचार। अरे ब्राह्मण देवता, जहां तक मैं देख पा रहा हूं आपके मस्तक की रेखा, तो 7 जन्म तक आपके कोई पुत्र नहीं है, पुत्र योग नहीं है। अब आत्मदेव जी महाराज हाथ जोड़ करके बोले, महाराज लो, मैं तो 1 जन्म के लिए रुदन कर रहा था, आपने मेरा 7 गुना दुख और बढ़ा दिया। मैंने सोचा था कि आप मेरा दुख दूर करोगे, तो दुख दूर करने की तो रही, आपने 7 गुना और बढ़ा दिया। महाराज कुछ भी हो, मुझे तो पुत्र चाहिए ही चाहिए, अगर आप पुत्र नहीं दोगे तो आपके चरणों में मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा, प्राण त्याग कर दूंगा। तो महाराज मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, लेकिन आपको भी ब्रह्महत्या लगेगी। महात्मा बेचारे बोले, लो अच्छे भले जा रहे थे, अब खामा खा ब्रह्महत्या मोड़ ले ली। महात्मा कहते हैं, अरे बेटा कोई बात नहीं, इतनी भी जल्दी मत करो, लो एक तुम्हें फल देता हूं, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो संतान होगी। अब महात्मा जी के वचनों को सुन करके आदरणीय आत्मदेव जी महाराज के हर्ष का पारावार नहीं रहा, फल लिए और लेकर के दौड़ करके गए और अपनी पत्नी को दिखाया, लो अरे भगवान लो, मैं तुम्हारे लिए फल लेकर के आया हूं। धुंधली श्रीमती धुंधली देवी बाहर आई, बोली अरे क्या लेकर के आए हो? बोले अरे तुम्हारे लिए भगवान मैं फल लेकर के आया हूं। अरे गला तो वैसे फाड़ रहे थे जैसे नौलखा हार लेकर के आए हो। बोलो राधे राधे, हैं क्या मैंने आज तक कभी फल नहीं खाया और आप कह रहे हो फल खा लो, गला तो ऐसे फाड़ रहे थे। बोले अरे भगवान ये फल कोई साधारण फल नहीं है, बहुत बड़े महान संत के दर्शन प्राप्त हुए थे, वो संत का दिया हुआ फल है, इस फल को खाओगी तो सुंदर तुम्हारे पुत्र होगा। धुंधली देवी कहती हैं, अगर ऐसा फल है तो मैं अवश्य खाऊंगी। अब लेकिन अभी मेरे मन में विचार चल रहा है कि थोड़ा स्नान ध्यान कर लूं, फिर आराम से बैठ करके खा लूंगी। आत्मदेव जी महाराज को संतुष्ट कर दिया वचनों से। अब आत्मदेव जी महाराज पड़ोसी में चले गए, पड़ोसन के यहाँ, अरे सुनते हो मेरे यहाँ भी कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद किलकारियां गूंजेंगी। अब आत्मदेव जी महाराज बधाइयां बांट रहे हैं, इधर फल लिए धुंधली देवी बैठी है कि इस फल को खाऊं कि ना खाऊं, इस फल के खाने से क्या होगा। इतने में पड़ोसन आ गई और पड़ोसन को देखकर के धुंधली देवी कहती है, अरे बहन तू सही समय पर आई है, मेरे पता नहीं स्वामी जी को कौन ये फल दे दिया है और कह दिया कि फल खाने से पुत्र होगा संतान होगी, तू ही बता बहन कि इस फल के खाने से क्या कभी संतान की प्राप्ति हो सकती है। पड़ोसन कहती है, देवी मैंने सुना है कि संतों के वचनों में, संतों के तप में प्रभाव है, तो ये फल खाएगी तो अवश्य तेरे पुत्र होगा। अरे बहन एक बात और बताना कि मैंने सुना है कि फल खाने से तो पुत्र तो होगा, हो जाएगा विश्वास है, लेकिन मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा भाग नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती। पड़ोसन कहती है कि अरे भगवान तुझे भागने की क्या आवश्यकता है, दौड़ने की क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है दौड़ने की,